हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बुक के बारे में जिसे फाइनेंस कैटेगरी में सबसे फेमस बुक भी माना जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रिच डैड पुअर डैड इस बुक के बारे में। इस बुक के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी है। उन्होंने इस बुक में अपने दो फादर्स के बारे में बताया है। एक उनके खुद के फादर जो कि बहुत वेल एजुकेटेड थे, लेकिन उनकी मनी मैनेजमेंट स्किल्स इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ जॉब किया और ज़िंदगी भर पैसों के मामले में स्ट्रगल करते रहे। और दूसरे थे उनके फ्रेंड माइक के पिताजी, जिन्हें रॉबर्ट अपने फादर की तरह ही मानते थे। तो वो इतने वेल एजुकेटेड तो नहीं थे, लेकिन उनकी फाइनेंशियल स्किल्स बहुत अच्छी थी। तो उन्होंने अपना खुद का बिजनेस सेटअप किया और बहुत सक्सेसफुल भी हुए। तो इस बुक में ऑदर उनके रिच डैड ने उन्हें जो 6 पॉइंट्स बताए हैं जिसके थ्रू लोग अमीर बनते हैं, इस बारे में हमें बताया है। तो आइए जानते हैं कि वो 6 पॉइंट्स क्या है। ऑथर जब 9 साल के थे, तब उन्होंने अपने रिच डैड से पूछा कि लोग अमीर कैसे बनते हैं। तो उनके रिच डैड ने उन्हें ये तो नहीं बताया, लेकिन अपने पास नौकरी पे रख दिया। ऑथर ने बहुत मेहनत की, लेकिन जब उन्हें पैसे मिलने की बात आई तो उन्हें इतने कम पैसे दिए गए कि वो निराश हो गए और उन्होंने क्विट कर दिया। तब उनके रिच डैड ने उन्हें पैसों के मामले में सबसे पहली बात बताई कि अमीर लोग कभी पैसों के लिए काम नहीं करते, क्योंकि जॉब में कितनी ही मेहनत क्यों ना कर लो, पैसे फिक्स्ड होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा थोड़े ही बढ़ते हैं। अमीर सिर्फ वही होता है जो उस कंपनी का मालिक होता है। फिर ऑथर के रिच डैड ने उन्हें ये बताया कि अमीर बनने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आप असेट और लायबिलिटी के बीच का फ़र्क समझिए, क्योंकि बहुत से लोग जिन चीज़ों को असेट समझते हैं वो एक्चुअली में लायबिलिटीज़ होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए कि अगर कोई इंसान एक घर खरीदे और वो घर को रेंट पे दे, तो वो उसके लिए असेट हो जाएगी, क्योंकि वो हर महीने उसके लिए पैसे जमा करती है। लेकिन अगर उसी घर को वो खुद के यूज़ के लिए यूज़ करे, तो वो एक लायबिलिटी हो जाएगी, बिकॉज उसे हर महीने उसके लिए मेंटेनेंस चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स और शायद होम लोन के पेमेंट भी करने पड़े। सेम एग्जांपल हम एक गाड़ी के साथ भी देख सकते हैं कि अगर कोई एक गाड़ी खरीदे अपने लिए लोन पे, तो वो एक लायबिलिटी हो जाएगी, बिकॉज उसे हर महीने लोन के पैसे भी जमा करने पड़ेंगे, प्लस पेट्रोल चार्जेस देना पड़ेगा, गाड़ी को मेंटेनेंस करना पड़ेगा। और गाड़ी तो एक डेप्रिशिएटिंग असेट है वैसे भी, क्योंकि कुछ सालों बाद रिप्लेस भी करनी होती है। लेकिन अगर वो उसी गाड़ी को ओला उबर जैसे सर्विस में दे ड्राइवर लगा के, तो वो उसके लिए एक असेट भी बन सकती है, क्योंकि वो हर महीने उसके बैंक अकाउंट में पैसे लेके आएगी। तो इसी तरह से कोई भी चीज़ को हम असेट या लायबिलिटी की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि वो हमारे लिए पैसे लेके आ रहा है या हमारे पास से पैसे लेके जा रहा है। इस बुक का जो 3rd पॉइंट है वो ये है कि अपना बिजनेस चालू करें, क्योंकि यही बेस्ट तरीका होता है अमीर बनने का। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए, अगर किसी ने अपना पिज्ज़ा का एक स्टोर चालू किया, उसका स्टोर अच्छे से चलने लगा, तो उसने अपने स्टोर्स अलग अलग सिटीज़ में खोल लिए और वहाँ पे काम करने के लिए वर्कर्स रख दिए। अब वो इंसान कुछ खास काम किए बिना भी करोड़ों कमाता है। क्या कोई डॉक्टर या इंजीनियर इतने पैसे कमा सकता है भले ही कितनी भी मेहनत कर ले? जी नहीं। बर्गर किंग, मैकडॉनल्ड्स, ये सारे जो फ्रेंचाइजेस है, ये इसी तरह से आगे बढ़े किसी बिजनेस आइडिया के थ्रू। इस बुक का जो 4th पॉइंट है वो ये है कि अमीर लोगों के पास टैक्स बचाने का एक सीक्रेट होता है, और वो सीक्रेट ये है कि वो कोई कंपनी चालू कर देते हैं। सरकार कंपनीज को बहुत से टैक्स बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है। एग्जांपल के तौर पे, अगर अमीर लोगों को घर या गाड़ी खरीदनी हो, तो वो अपने नाम पे नहीं बल्कि अपने कंपनी के नाम पे खरीद लेते हैं, इसमें उनका टैक्स बचता है। ठीक उसी तरह अगर उन्हें फॉरेन टूर पे जाना हो, तो वो कंपनी के एक्सपेंस बता के जाते हैं, तो इस पे भी उन्हें टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। और अगर उन्हें अपने पैसों पे टैक्स नहीं भरना हो, तो वो कोई फेक कंपनी बना के बताते हैं कि उन्होंने उसमें इन्वेस्ट किया है, तो ऐसे करके वो बहुत सारी जगह पे टैक्स बचा लेते हैं। और फिर अगर वो कोई लोन भी लेते हैं, तो वो कंपनी के नाम पे ले लेते हैं,
और फिर बाद में कंपनी को बैंकरप्ट बता के वो लोन वापस करने से भी बच जाते हैं। आपको पता ही है कि अगर कंपनी के नाम पे लोन लिया गया है तो किसी के पर्सनल असेट्स नहीं सीज किए जाते। लेकिन वही मिडिल क्लास वाले अगर होम लोन ले या कोई मेडिकल रीजंस की वजह से लोन ले तो उन्हें वो लोन वापस करना ही होता है। इस बुक का जो फोर्थ चैप्टर है उसमें ऑथर अमीर लोगों का वो सीक्रेट बताते हैं जिससे वो अपने पैसे के थ्रू पैसे इन्वेंट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए कि एक अमीर इंसान देखता है कि एक बिल्डिंग बिक नहीं रही है क्योंकि वो बिल्डिंग पुरानी हो चुकी है और उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है और उसके आसपास का एरिया भी इतना अच्छा नहीं है, तो वो उस बिल्डिंग को ख़रीद लेता है और फिर उसे रिनोवेट करता है, आसपास का एरिया अच्छा बनाता है और उसे कई गुना ज़्यादा दाम पे बेच देता है। तो इसी तरह से अमीर लोग हमेशा देखते रहते हैं कि वो कैसे प्रॉफिट कमाए, अपने एग्जिस्टिंग पैसे पे और पैसे कैसे बना सकते हैं। इस बुक के लास्ट चैप्टर में ऑथर ये बताते हैं कि कभी भी काम कुछ सीखने के लिए करना चाहिए। जैसे कि अगर आपको कोई बिजनेस चालू करना हो तो पहले वैसे ही किसी बिजनेस में जाके जॉब करें और देखें कि सारी चीज़ें कैसे वर्क करती है। ऑथर खुद का एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि उन्होंने अपना एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद एक कॉरपोरेट जॉब किया जिससे उनके पुअर डैड तो बहुत खुश हो गए क्योंकि सैलरी अच्छी थी, लेकिन उन्होंने कुछ समय बाद वो जॉब छोड़ दिया और मरीन कॉर्प्स ज्वाइन कर लिए जिससे उनके पुअर डैड तो बहुत एंग्री हुए। लेकिन ऑथर बताते हैं कि उन्होंने ये इसलिए किया क्योंकि वो नई नई चीज़ें सीखना चाहते थे, नए एक्सपीरियंसेस लेना चाहते थे और अपना खुद का एक पर्सनल ब्रांड बनाना चाहते थे, जो कि उन्होंने बाद में किया। तो इसी तरह से अगर आप भी जॉब करना चाहते हो तो कुछ सीखने के लिए करिए, वहाँ से ज़्यादा पैसों की उम्मीद ना रखिए, वहाँ से जो सीखी हुई चीज़ें हैं उसे लेके अपना खुद का कुछ बिजनेस या ब्रांड बनाइए। जो रोबर्ट कियोसाकी ने अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में बताए हैं, आप इन पॉइंट से कितना एग्री या डिसएग्री करते हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर देना। आगे ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू ये पूरा वीडियो देखने के लिए और हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर।